HP Pavilion 15EC1052AX का गेमिंग रिव्यू आज हम देखेंगे। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लूंगा, वीडियो को एंड तक देखें प्लीज। पहला गेम कॉल ऑफ ड्यूटी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम लोग इसको ओपन कर दिए, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस होता है। देखिए दोस्तों गेम अभी स्टार्ट हो चुका है, अभी फ्रेम रेट 70 FPS 68 FPS के आसपास दिखा रहा है। ये देखिए स्टार्ट हो गया है। देखिए कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। अभी देखिए इसका स्पीड 62 से लेकर 70 FPS का स्पीड तक दे रहा है और अभी तक गेम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा है, कोई स्टटर नहीं, कहीं लेग नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ तो दोस्तों ये तो परफॉर्मेंस देखिए कितना हाई एक्शन इंटेंसिव गेम है, फिर भी ये एकदम स्मूथली फंक्शन कर रहा है और इसका FPS एकदम परफेक्ट आ रहा है। 55 से लेकर 70 FPS की स्पीड के आसपास आ रहा है और इसका टेम्परेचर अभी 65% के आसपास है, 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास है इसका टेम्परेचर। दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको सेकंड गेम में। अभी ये तो हो चुका है और इसमें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। CPU देखिए 62 है, CPU 1 और CPU जो है आपका नॉर्मल CPU है वो 4000 MHz का चल रहा है। RAM 6761 से ऊपर जा नहीं रहा है, 7 से ऊपर जा नहीं रहा है। 8 GB का मेमोरी लगा हुआ है बट ठीक है, 7 तो रिजर्व हो गया, अभी गेम में कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका फ्रेम देखिए, FPS देखिए 78, 79, 67 इस तरह से जो है अप डाउन कर रहा है, इससे हाई नहीं जा रहा क्योंकि हाई लेवल का गेम है तो इतना तो बनता है। तो चलते हैं नेक्स्ट गेम का रिव्यू करता हूं मैं, अब मैं इसको यहीं पे सेव करता हूं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग मॉर्टल कॉम्बैट X का गेमिंग रिव्यू करने वाले हैं, देखते हैं कैसा चलता है, इसमें क्या फ्रेम रेट आता है, ये सारा डिटेल सब चेक करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए अभी गेम स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं क्या फ्रेम रेट वगैरह आ रही है। अभी तो फिलहाल इसका 50 30 FPS सारे दिख रहे हैं। अभी जैसे गेम स्टार्ट हो रहा है देखिए इसका FPS 113 89 104 FPS का स्पीड आ रहा है। देखिए 60 FPS का स्पीड दे रहा है और अभी 4 GB रैम ही इसका ख़त्म हुआ है और अभी मैं पिछला 1.5 घंटे 2 घंटे से ये गेम खेल रहा था। अभी इसका CPU का और GPU का डिग्री देखिए 57 डिग्री सेल्सियस है तो ज़्यादा गर्म नहीं है। और फैन का स्पीड मैं बता दूँ दोस्तों, फैन का स्पीड अभी ज़्यादा उतना आवाज़ नहीं कर रहा है। जैसे रिव्यू मैंने देखा था, किसी ने बोला था कि इसका बहुत ज़्यादा साउंड करता है गेम का जब ये गेम मोड में रहता है, तो देखिए अभी उतना साउंड नहीं आ रहा। अभी 60 FPS का तो आराम से मिल जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड एज कम्पेयर टू गेमिंग इज कंसर्न। इसमें आपको कोई भी स्टटर नहीं आएगा, स्मूथली चल रहा है गेम। और मैं बता दूं मैंने ये गेम PS4 में भी खेला है और PS4 में तो मेरा काफ़ी ज़्यादा हाथ बैठा हुआ, इसमें तो मैं हार रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। बट फिर भी PS4 और PC का गेम का खेलने का एक्सपीरियंस ही अलग है। और PS4 में तो पूरा उसमें जॉयस्टिक से पूरा खेलने में बहुत अच्छा रहता है, मज़ा आता है, बहुत सारे मूव्स कर सक पाते हैं। अभी मेरा PC में हाथ बैठा नहीं है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कादर खेलने के बाद मुझे लगता है मेरा हाथ इसमें अच्छा से बैठ जाएगा। फिर भी मैं टफ कंपटीशन दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग, जो आपने लास्ट में हार ही गया। ओ माय गॉड, सी इज डूइंग फैटलिटी, माय गॉड, आप देख सकते हैं इसका ग्राफिक्स वगैरह कैसा लग रहा है, इट्स सिंपली ऑसम। देखिए अभी भी 30 FPS और 4 GB का रैम यूज़ कर रहे हैं। CPU का स्पीड देख सकते हैं 4000 Hz which is good। Temperature अभी देखिए 58 degree Celsius है, so considering the game, ये देखिए थोड़ा मेरा हाथ बैठ गया लग रहा है, अच्छा मैं फाइट दे पा रहा हूँ अभी। देखिए ये फर्स्ट राउंड तो मैं पिछला बार भी जीत ही गया था, देखा जाए फिनिशर। यस ये मैं राउंड जीत गया, वाह वेरी नाइस। ये था दोस्तों इसका मॉर्टल कॉम्बैट का परफॉर्मेंस, इट्स ऑसम। मुझे कोई भी स्टार्टर नहीं मिला, कहीं भी कुछ लेग नहीं हुआ, आप टेम्परेचर देख सकते हैं 56 डिग्री सेल्सियस का है। मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं इसका CPU और GPU का एकदम आपको हीट एकदम पता नहीं चलेगा और इसका फैन का साउंड एकदम नहीं आ रहा है, विच इज़ गुड। अभी तक का परफॉर्मेंस इस लैपटॉप का काफ़ी बेहतरीन रहा,
फ्रेम रेट ऑब्लिक जीपीयू टेम्परेचर एंड सीपीयू यूसेज काफ़ी ऑप्टिमम रहा। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि आप लोगों को इस लैपटॉप के रिलेटेड सही जानकारी पहुंच सके। इस वीडियो में अगर कुछ छूट गया या फिर आप लोगों को इस लैपटॉप के रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नई टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन अलविदा, बाय।